हरियाणा सरकार और धरने पर बैठे किसानों के बीच मतभेद का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले कृषि कानून और अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर दोनों के बीच जंग छिड़ गई है। देखिए, एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं कि कृषि कानून रद्द करवाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरी तरफ सरकार की चिंता है कि कहीं कोरोना आंदोलन में दस्तक ना दे दे। ऐसे में रह रहकर खबर यही आ रही है कि आंदोलन से कोरोना के केस सामने आए हैं। हालांकि अब तक पूरी तरह से इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में एक बार फिर से हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। विज ने कहा है कि सरकार अपना कर्म धर्म पूरी तरह निभा रही है। सरकार ने किसानों के टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए अधिकारियों और किसानों की मीटिंग भी करवाई थी, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया। हमने तो देखो पूरी कोशिश की थी कि ये जो धरने पर बैठे हुए हैं किसान, ये सारे कोरोना टेस्ट भी करवाएं और इनको वैक्सीनेशन भी लगाई जाए। मैंने अधिकारियों के साथ इनके नेताओं की मीटिंग भी करवाई, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे, ना किसी को वैक्सीन लगाने के लिए कहेंगे। वहीं करनाल में लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी फड़ी वालों के साथ पुलिसकर्मियों की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, तो मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी को प्यार से लॉकडाउन के नियमों की पालना करनी चाहिए और इसके लिए लोगों को समझाया भी जा रहा है। सबको प्यार से कह रहे हैं और लोगों को भी जो लॉकडाउन का नियम है उसको प्यार से मानना चाहिए। चाहे कृषि कानून हो या वैक्सीन लगवाने की बात, किसान अपनी बात पर अड़िंग है। तो दूसरी तरफ अनिल विज ने साफ कह दिया है कि अगर आंदोलन में कोरोना संक्रमण से कुछ अनहोनी होती है तो उसका जवाब किसान नेता ही देंगे। अंबाला से कमलप्रीत सभरवाल की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।